हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अल्फा स्टडी में। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, एनसीईआरटी का सारे चैप्टर 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं, तो आज दूसरा चैप्टर होगा अम्ल, क्षारक एवं लवण। इससे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कर चुके हैं, तो इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? दोस्तों यहाँ पूछा है लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है, और लिटमस पेपर का हम लोग इस्तेमाल अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए रंग के आधार पर करते हैं। तो लिटमस जो है लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो है थाइलोफाइटा ग्रुप के समूह से निकाला जाता है। थाइलोफाइटा ग्रुप के पेड़ होता है दोस्तों, उस थाइलोफाइटा ग्रुप समूह के पेड़ से निकाला जाता है लाइकेन। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल चलते हैं। किसी पदार्थ का अम्ल या क्षारीय उसके गंध से पता करते हैं, तो ऐसे सूचक को क्या कहते हैं? दोस्तों हमारे पास लिटमस पेपर कोई रंग से पता करते हैं, और एक गंध से पता करते हैं, और एक टेस्ट से पता करते हैं। तीन प्रकार का होता है, और प्राकृतिक में सिर्फ तीन ही होता है, एक लिटमस, दूसरा आपका पहला लिटमस पेपर, दूसरा मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा फिनोप्तिलीन। ठीक है दोस्तों, और बाकी सारा प्राकृतिक है। तो जो पदार्थ का अम्ल है उसका गंध से पता करते हैं, उसका क्या क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? ओला फैक्ट्री। और ये कौन कौन से पदार्थ है जो दोस्तों जिसका हम लोग गंध से पता करते हैं? तो वनीला हो जाएगा दोस्तों, वनीला है ना दोस्तों, वनीला। और दूसरा हो जाएगा आपका प्याज, है ना दोस्तों, प्याज का भी जो है हम लोग गंध से पता करते हैं, और लौंग का तेल। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, अम्ल प्लस धातु रिएक्शन करता है तो लवण प्लस क्या बनता है दोस्तों? तो दोस्तों जब भी अम्ल और धातु रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा। कैसे दोस्तों? जैसे Fe+Cl2HCl, है ना दोस्तों, तो ये बन के तैयार होता है Fe+Cl2+H2, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और ये Fe+Cl2 लवण होता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगला सवाल, सभी धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? तो धातु के कार्बोनेट दोस्तों क्या हो जाएगा? NaCO3। धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट NaHCO3, है ना दोस्तों। ये धातु NaSodium धातु है, और धातु के कार्बोनेट हो गया ये। ठीक है दोस्तों, धातु के कार्बोनेट जो है अम्ल के साथ जैसे HCl के साथ रिएक्शन करके बनाता है मेरा NaCl लवण। ठीक है दोस्तों, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये तीनों चीज़ बनाता है। तो इस तीनों चीज़ को ध्यान रखिएगा कि धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके जल तथा लवण बनाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों जैसे अम्ल और क्षार, जैसे HCl, इस सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों। जैसे HCl अम्ल है दोस्तों, क्षार NaOH प्रबल क्षार है दोस्तों, ये जब आपस में रिएक्शन करेगा दोस्तों तो NaCl+H2O, है ना दोस्तों। तो NaCl मेरा लवण हो गया और H2O जल हो गया। तो अभिक्रिया करके जो है लवण और जल बनता है, लेकिन इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों, धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? उस वक्त पढ़े थे धातु के कार्बोनेट, यहाँ धातु के ऑक्साइड है दोस्तों। तो धातु के ऑक्साइड जो रिएक्शन करता है ये लवण तथा जल बनाता है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों धातु के जो ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल तथा लवण बनाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल की ओर चलते हैं।
सभी अम्ल में होते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों, सभी अम्ल में होते हैं। तो दोस्तों जब अम्ल को HCl जैसे एक अम्ल है इसको जलीय विलयन में मिलाएंगे दोस्तों तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है दोस्तों, है ना, H प्लस Cl माइनस में टूटता है। तो H प्लस जो है अम्ल को दर्शाता है दोस्तों, इसका मतलब हुआ जिस विलयन में H प्लस की सांद्रता जितना अधिक होगा उस विलयन का pH मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को अगर जल में मिलाते हैं तो ये Na प्लस Cl माइनस, ये Na प्लस कैसे होता है दोस्तों, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है 281, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक देगा, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे प्लस में लिखते हैं, और जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जैसे क्लोरीन है, सॉरी यहाँ पे OH होगा, है ना दोस्तों। तो OH जो है हाइड्रोक्साइड ये माइनस डिनोट करता है दोस्तों, वो का दो होता है लेकिन हाइड्रोजन एक प्लस होता है इसलिए एक माइनस लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो सभी अम्ल में होता है जिसमें, हाँ बता रहे थे कि OH जिसमें जिस विलयन में OH माइनस की मात्रा जितना अधिक होगा वो विलयन उतना क्षारीय होगा, इस चीज़ का जवाब में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सभी अम्ल में तब होते हैं एच प्लस आयन। अगला सवाल की ओर चलते हैं। हाँ, तो सभी क्षार में होते हैं, अभी बताया दोस्तों वो एच माइनस हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए दोस्तों, अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या बनता है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि अम्ल और क्षार जो है आपस में रिएक्शन करके जल तथा लवण बनाता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, एच प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस ओ एच माइनस। तो ये एन ए सी एल प्लस माइनस जुट जाएगा दोस्तों, एन ए सी एल प्लस एच टू ओ हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो एन ए सी एल लवन और एच टू ओ जल बोलते हैं इसको दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लवन तथा जल दोनों। अगला सवाल की ओर चलते हैं, इस सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों, पी एच स्केल में पी का क्या तात्पर्य है। पी एच जो स्केल होता है दोस्तों, पी एच स्केल जिससे अम्ल की सांद्रता को मापते हैं, इसमें पी का अर्थ होता है पोटेंट, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं, उदासीन विलयन का पी एच मान कितना होता है दोस्तों, उदासीन विलयन का पी एच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पी एच मान सभी को पता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि सबसे उच्चतम अम्ल को दर्शाता है, ऑप्शन में दे देगा दोस्तों 0, 1, 2, 3। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 0, एक नहीं मारिएगा, एक गलत हो जाएगा, क्योंकि पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, इसीलिए 0 से स्टार्ट होता है ना कि 1 से, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो उदासीन विलयन जो होता है 7 से अगर नीचे आएंगे तो अम्लीयता, 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा, है ना दोस्तों। और 7 से नीचे आएंगे तो H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगा, और 7 से ऊपर जाएंगे तो OH माइनस की सांद्रता बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, सांद्रता मतलब उसका मात्रा होता है दोस्तों, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 7। अगला सवाल की ओर चलते हैं, रक्त का pH मान क्या होता है, इसका जवाब दीजिए दोस्तों, रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का pH मान जो होता है दोस्तों 8.4 होता है, आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अगला सवाल की ओर चलते हैं, नींबू का पीएच मान दोस्तों, ये सब लगभग में दिया हुआ है, ठीक है, और ये एनसीईआरटी का दिया हुआ पॉइंट है, इसीलिए इसको गलत मत बोलिएगा, 2.4 कहीं पे रहेगा, लेकिन नींबू का पीएच मान जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो 2.2 है, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। देख दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है ना दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का यूज होता है हम लोग के पेट में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है तो उसको दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं दोस्तों, इसका पीएच मान 10 के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये एनसीईआरटी का दिया हुआ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी बहुत सारा एग्जांपल, ये प्रबल क्षार होता है दोस्तों, इसका पीएच मान 14 होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अभी आया जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो दोस्तों जठर रस का पीएच मान याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका एनसीईआरटी में इसका लगभग जो है 1.2 होता है, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो
तो जठर रस का पीएच मान लगभग 1.2 होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे शरीर का पीएच मान किस रेंज पर कार्य करता है? तो हमारे शरीर का जो पीएच मान है दोस्तों, वो 7 उदासीन से लेकर 4 में काम करता है, यानी 7.8। इस चीज़ को भी याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला सवाल, ये सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। वर्षा के जल का पीएच मान कितना से कम हो जाने पर अम्लीय वर्षा कहलाता है? इस सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्षा जब पीएच मान अम्लीय वर्षा कब होता है दोस्तों, जब उसका पीएच वैल्यू मतलब उसका अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, इसलिए अम्लीय वर्षा बोलते हैं। इसका पीएच मान 5.6 से कम होने पर, है ना दोस्तों, 5.6 से कम होने पर जो है अम्लीय वर्षा कहलाता है। अगला सवाल चलते हैं, सेम सवाल आ गया दोस्तों, तो वही क्वेश्चन होगा 5.6। यहाँ पूछा है शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस अम्ल के मोटे पीले बादलों से बना है? इस सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों। शुक्र ग्रह जो होता है दोस्तों, जैसे पहले सन आएगा, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल आता है दोस्तों। तो ये जो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल होता है दोस्तों, ये किससे बना होता है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, H2SO4। अगला सवाल की ओर चलते हैं। हमारे मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाने पर दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है? दोस्तों इस सवाल का जवाब दीजिए। तो दोस्तों हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाने पर दोस्तों, हमारे मुंह जो है दांत का क्षरण होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे दांतों का कठोर पदार्थ जो मांसपेशियां है दोस्तों, एनामेल, वो दोस्तों झरना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, उसका क्षय होना चालू हो जाता है 5.6 से कम होने पर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल की ओर चलते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है दूध में, ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है दोस्तों ये सेब में, एसिटिक अम्ल सिरका में दोस्तों, मिथेनोइक अम्ल जो है चींटी के डंक में, और इसको और एक ठो याद रखिएगा, नेटल के डंक में भी जो है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस सवाल का जवाब दिए दोस्तों। अभी मैंने बताया दोस्तों कि H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगा तो उसका अम्लीय बढ़ेगा, और वो H- की सांद्रता अगर बढ़ता है तो उसका क्षारीयता बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, जितना वो H- की सांद्रता मात्रा बढ़ेगा, वो H+ आयन की मात्रा बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगा, और वो H- की सांद्रता बढ़ेगा, मात्रा बढ़ेगा तो वो क्षारीय बढ़ेगा। तो इसका क्या होगा दोस्तों, अम्ल की मात्रा बढ़ेगा। अगला सवाल, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या होता है? क्या होता है दोस्तों, NaCl, है ना दोस्तों, इसके जलीय विलयन में जब विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाती है दोस्तों, तो क्या मेरा बन के तैयार होता है, NaOH, ठीक है दोस्तों, प्लस H2 और Cl2, है ना दोस्तों। ये इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, याद कर लीजिए दोस्तों। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 और Cl2, इसमें दोस्तों इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया, और इसमें हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड पर जमा होता है। दो ठो कंटेनर लगा होता है दोस्तों रिएक्शन में, है ना दोस्तों, दो कंटेनर लगा होता है। रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन जो है कैथोड इसमें जमा होता है, कैथोड भाग में, और जो क्लोरीन होता है वो एनोड भाग में जमा होता है। इसको भी याद कर लीजिए। याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस कैथोड में जमा होता है, कैथोड, है ना दोस्तों, तो हाइड्रोजन प्लस होता है, तो यहाँ पे टी देखिए प्लस की तरह है, तो हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड पे जमा होता है और क्लोरीन गैस एनोड पे, कब,
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्लोरछाड़ प्रक्रिया। और मेरा बन के तैयार होता है NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, है ना दोस्तों। और H2 जो है वो कैथोड पे जमा होता है और Cl2 जो है वो एनोड पे जमा होता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्लोरछाड़ प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल की ओर चलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है? दोस्तों इस सवाल का जवाब दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस Cl2 रिएक्शन कराते हैं तो मेरा क्या बनता है दोस्तों? तो इसका जो बनता है CaOCl बनता है दोस्तों, CaOCl2, है ना दोस्तों। Ca अच्छा से लिख देते हैं, CaOCl2, है ना दोस्तों। CaOCl2 जो होता है इसे हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो विरंजक चूर्ण बनता है, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। रिएक्शन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? बैंकिंग सोडा, और दोस्तों बैंकिंग सोडा किससे प्राप्त किया जाता है? आप नमक ले लीजिए, नमक को जो है जल मिला दीजिए, उसमें जल मिलाने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कीजिए और अमोनिया गैस भी प्रवाहित कीजिए दोस्तों। इसको अमोनिया बोलते हैं, इसको सोडियम क्लोराइड, इसको जल बोलते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरा बन के तैयार होगा NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे विरंजक चूर्ण बोलते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। तो इस यहाँ पे बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल का जवाब दीजिए, कैल्शियम है ना दोस्तों, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, CaCaSO4 हाफ H2O को जल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो दोस्तों CaSO4 हाफ H2O को जल के साथ जब रिएक्शन करते हैं, गर्म करते हैं दोस्तों, तो CaSO4 2H2O का निर्माण करता है जो जिप्सम के नाम से जाना जाता है। और जिप्सम का प्रयोग दोस्तों इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, हड्डी जब टूट जाता है दोस्तों तो सफ़ेद जैसा पाउडर होता है दोस्तों, उसको लगाने के बाद उसमें पानी का छिड़काव, गर्म पानी से उसको ये किया जाता है तो वो बहुत ही मजबूती से पकड़ लेता है, तो इसे बोलते हैं जिप्सम। अगला सवाल की ओर चलते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो संभवतः पीएच मान कितना है दोस्तों? कोई विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो दोस्तों जो लिटमस पत्र जो होता है अगर वो उसका खुद का रंग दोस्तों बैंगनी होता है, है ना दोस्तों। लाल लिटमस पत्र जो है नीला कर देता है, ठीक है दोस्तों, खुद का रंग बैंगनी है, ठीक है दोस्तों, और जब इसमें नीला कर देता है दोस्तों, जब इसमें अम्ल में मिलाते हैं लिटमस पत्र को तो वो लाल हो जाता है दोस्तों, और जब क्षार में मिलाते हैं दोस्तों तो ये नीला हो जाता है दोस्तों, है ना। ये एसिड में होता है दोस्तों और ये बेस में होता है, क्षार में होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10, क्षार का 10 होता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? हमारे हम जो कुछ खाते हैं अगर उसे पचना बंद कर दे तो उसके लिए दोस्तों हम लोग एंटा एसिड का प्रयोग करते हैं दोस्तों, यानी क्षार का उपयोग करते हैं दोस्तों। और क्षार का किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है दोस्तों, जो पेट का अम्लीयता को दूर करता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए दोस्तों। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल चलते हैं दोस्तों। लिटमस पत्र अम्ल के साथ कौन सा रंग देता है? तो अभी बताया दोस्तों, रेड देता है दोस्तों, है ना। और ये अम्ल के साथ, क्षार के साथ ब्लू देता है। ऑरेंज क्या देता है दोस्तों? एक चीज़ बताना चाहेंगे, तीन तरह का जो है आर्टिफिशियल लिटमस पत्र ये रंग को जांचने के लिए होता है दोस्तों। कौन कौन? अम्ल का जाँच करने के लिए तीन तरह का प्राकृतिक, बाद बाकी तीन तरह, तीन ठो ही है जो आर्टिफिशियल है, बाद बाकी सारा जो है
वो प्राकृतिक है। प्राकृतिक में वनीला हो गया, प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, हल्दी हो गया, और जो है जो प्राकृतिक जो आर्टिफिशियल हम लोग के द्वारा यूज किए जाते हैं, एक लिटमस पत्र है ना दोस्तों, लिटमस लिटमस पत्र, दूसरा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा फिनोप्थिनील, फिनोप्थिलीन है ना दोस्तों। तो इसको कैसे याद करना है, लिटमस पत्र जो है अम्ल के साथ लाल देता है लेकिन क्षार के साथ नीला देता है। मिथाइल ऑरेंज इसका खुद का रंग बैंगनी होता है लिटमस का, और मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज है, खुद का रंग जो है ऑरेंज होता है दोस्तों, गुलाबी कलर का। और ये जो है मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ अभिक्रिया करके है ना दोस्तों, ये मिथाइल ऑरेंज जो है दोस्तों अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लाल देता है, और जबकि क्षार के साथ अभिक्रिया करके पीला रंग देता है दोस्तों। और फिनोप्थिलीन जो होता है दोस्तों, फिनोप्थिलीन है ना दोस्तों, फिनोप्थिलीन जो होता है, फिनोप्थिलीन इसका अम्ल के साथ खुद का रंग रंगहीन होता है दोस्तों, कोई रंग नहीं होता है। अम्ल के साथ जो है ये रंगहीन देता है, अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देता है, जबकि क्षार के साथ गुलाबी देता है। तो दोस्तों कैसे याद रखिएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एक लिटमस होता है ठीक है दोस्तों, एक मिथाइल ऑरेंज होता है, एक फिनोप्थिलिन होता है। तो लिटमस जो है अम्ल और क्षार हम लोग जनरली बोलते हैं दोस्तों, अम्ल और क्षार। तो अम्ल के साथ ये जो है लाल है ना दोस्तों, और क्षार के साथ ये नीला देगा दोस्तों ठीक है। और जबकि मिथाइल ऑरेंज जो है अम्ल के साथ लाल, MRI याद रखिए दोस्तों, MRI है ना दोस्तों। मिथाइल ऑरेंज खुद का रंग ऑरेंज होता है, अम्ल के साथ लाल, और वाई याद रखिए दोस्तों, MRI जानते हैं वाई, और क्षार के साथ पीला कलर देता है दोस्तों, पीला। और दोस्तों फिनोप्थिलीन जो है खुद का रंगहीन रंग होता है, कोई रंग नहीं होता है, अम्ल के साथ रंगहीन होता है दोस्तों, और जो है क्षार के साथ गुलाबी कलर का रंग देता है। तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों ठीक है। अगला सवाल की ओर चलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा, लिटमस पत्र अम्ल के साथ कौन सा रंग देता है दोस्तों, रेड देता है। अगला सवाल, मेथिल ऑरेंज क्षार के साथ अभिक्रिया करके, तो हमने बोला दोस्तों MRY याद कर लीजिए है ना दोस्तों, मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ रेड, और जो है क्षार के साथ पीला। मिथाइल ऑरेंज क्षार के साथ पूछा है तो येलो हो जाएगा दोस्तों, पीला। फिनोप्थिलीन अम्ल के साथ, तो दोस्तों ये अभी बताया फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है अम्ल के साथ। अगला सवाल की ओर चलते हैं, अधात्विक ऑक्साइड की प्राकृतिक कैसी होती है दोस्तों, इस सवाल का जवाब दीजिए। अधात्विक ऑक्साइड जो होता है उसका प्राकृतिक दोस्तों क्षारीय होता है, याद कर लीजिएगा ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक खत्म हो चुका है सारा, हम अपने तरफ से पूरा प्रयास किए दोस्तों समझाने का। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, अगला चैप्टर जो होगा वो धातु या अधातु से होगा, तीसरा चैप्टर होगा, बहुत जल्दी ही अपलोड कर देंगे दोस्तों। आज भर के लिए इतना ही, और दोस्तों अच्छा लगे तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।